बारिश के बाद जीरकपुर में सीवरेज का गंदा पानी ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क पर जमा हो रहा है। बदबूदार पानी की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को सांस लेने में मुश्किलें आ रही हैं। वहीं शायद ये मुसीबत काफी नहीं थी, अब सीवरेज का गंदा पानी पीने के पानी में भी मिलने लगा है और इसी पानी की समस्या के चलते लोग बीमार होने लगे हैं। समस्या भी हल होती दिखाई नहीं दे रही। लोगों ने कहा है कि वे इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए नवजीवन फाउंडेशन के पावन कुमार नेहरू लोगों के घर घर पहुंचे और उन्होंने साफ पानी लोगों को दिया। इससे करीब 40 घरों के लोगों को पीने का पानी मिल सका है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर प्रशासन कब तक यहाँ रह रहे लोगों की दिक्कतों को दूर करता है। मेरे को किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया जी। मेरी आदत है, मैं जगह जगह घूमता रहता हूँ। मेरी घूमने की आदत है, हमारे एरिए में चाहे हमारे बाहर के एरिया हो, कोई भी एरिया, जीरकपुर, चंडीगढ़, कोई भी हो, मैं एक ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ बचपन से। तो मेरी आदत है बचपन से सोशल वर्क काम करने की। अचानक मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने आते ही यहाँ देखा भी ये बुरा हाल है। मेरे को ये मेरे गहरी जी हैं, हमारे दोस्त, ये मेरे को बाहर मिले, इन्होंने यहाँ की समस्या बताई, जिसके कारण मैं यहाँ मौके पर पहुँचा हूँ। मेरे को आते ही यहाँ पता लगा भी यहाँ गंदा पानी सीवरेज के पानी से मिक्स होकर आ रहा है, तो लोगों को पानी पीने की बड़ी मुश्किल थी। मैंने इनसे कोई 7 सवा 7 बजे यहाँ आया, मैंने इनसे वादा किया भी मैं 8:30 बजे आपके लिए बिस्लरी पानी लेके आ रहा हूँ। तो मैं थोड़ा 10 मिनट लेट आया, पर मैं इन सब के लिए, सारे मेरे भाई बहन हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पर इतनी मुश्किलों से ये रह रहे हैं। लाखों रुपया लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, अपनी रिटायरमेंट ही का सारा पैसा लगा दिया अच्छी सुविधाओं के लिए, पर वो चीज़ें इनको यहाँ नहीं मिल रही है। मैं ये चीज़ देख के एकदम हैरान हो गया कि यहाँ पे गंदा पानी ये लोग पीने को मजबूर है, अपने बच्चों को गंदा पानी पिलाने को मजबूर है। मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इन सब का साथ दें और इनको इस मुसीबत से निकालें।